दोस्तों आज ये देखिए अपने पास क्या बनने के लिए आया है। मुझे भी नहीं पता है ये क्या है, बट देखेंगे बनाएंगे इसको मालूम हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये बालों को टेढ़ा करने वाला होता है। ठीक है, जो भी हो ये लड़कियों का काम का समझ लीजिए वीडियो होने वाला, लेकिन हालांकि वो लोग तो रिपेयरिंग कम करती हैं, तो हम देखेंगे फिलहाल जो है इसमें क्या है। खोल के देखते हैं क्या आइटम है इसमें। रिपेयरिंग के उसमें आया है, देखते हैं हमसे ये बनता है या नहीं। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से इसमें का ये सिस्टम है। मेरे हिसाब से ये गर्म होता होगा तभी जो ये बाल को टेढ़ा रखेगा ये चीज़ सिस्टम। तो देखते हैं यहाँ पर, पहले तो इसको पावर लगाते हैं। यहाँ पे सीरीज में मैं इसको लगा रहा हूँ पावर। पावर लगाने पे यहाँ पे लाइट तो जल रही है, एक लाइट जली है यहाँ पर, बट आगे कुछ नहीं। कैसे क्या करना दोस्तों इसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है। फिलहाल ये गर्म नहीं हो रहा है, सभी मैं स्विचेस को जो है कि प्रेस करके देख लेता हूँ, हो सकता है कुछ परिवर्तन हो जाए। बस ये पुश करने से ये लाइट ऑफ हो जा रही है, ये देखिए। तो पता नहीं इसका क्या सिस्टम है, तो देखते हैं क्या हमको ये समझ आता है। तो चलिए ओपन करते हैं इसको फटाफट से, अंदर का मटेरियल देखेंगे तो कुछ और जानकारी मिलेगी। तो इसको खोल के देखते हैं। ठीक है, ओपन कर लेते हैं इसको, फिर हम आगे की बात बताते हैं आपको। जहाँ से भी होगा आप और हम समझ लीजिए चलेंगे साथ में, क्योंकि मुझे भी इसके बारे में कुछ जानकारी है नहीं, पहली बार इसको मैं खोल रहा हूँ। देखते हैं क्या हाल चाल इसके होते हैं, रिपेयरिंग भी होगा या नहीं, बस वीडियो बना रहे हैं। पावर में लगा ही है अभी तक, ये कोई हीटिंग नहीं है उस तरफ। यहाँ से देखते हैं, खोलने का प्रयास करते हैं इसको। स्प्रिंग काफी अच्छा दिया गया है, यहाँ से ये निकला लॉक इसका खींचने से ही। इसमें अंदर सप्लाई है, पीएफ वगैरह मुझे दिख गया है हल्का सा ही, तो मैं इसको यहाँ से लाइन निकाल दिया हूँ पावर, और अब खोल रहा हूँ। तो ये इधर से भी लॉक है, देखते हैं इसको खोलने से क्या होता है। इसको भी खोल दिया है, इस तरफ का क्या हाल चाल है। तो ये खुल गया, मतलब इधर से ही था। ये स्विचेस हैं इसके, तो हमें लगता है कि हम इसको ठीक कर लेंगे। देखते हैं, सभी पेच इसके धीरे धीरे खोल रहा हूँ मैं। ये क्या, इसको किसी ने रिपेयर भी किया है, मतलब हमसे भी पहले किसी ने इसको देखिए यहाँ पर काम कर दिया है। तो सो अब क्या किया जाए, किसी ने इसका जो है काम कर चुका है। देखते हैं क्या हमारे बस की बात ये हो पाती है या नहीं, लेकिन मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर देखिए सब जल चुका है। ये देखिए यहाँ पर ये रेजिस्टेंस भी जल चुका है बिल्कुल, पता नहीं क्या नंबर था। और यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर लगाया गया है। बस में एसी पर इन्होंने, ये लाइट जल रहा है और कुछ तो नहीं है। देखते हैं क्या ये हो पाता है या नहीं, नहीं तो ये वीडियो बस वैसे ही चला जाएगा, समझ लीजिए ना बनने का ही। तो देखते हैं, अगर बनेगा तो ठीक, नहीं तो एक अंत में हम वीडियो बनाएंगे, नहीं बनेगा तो बनेगा तो ठीक है। इसको मैं मेहनत करता हूँ फिलहाल, देखता हूँ क्या कहता है ये। तो दोस्तों हमने यहाँ पर इसको कुछ जाकर निष्कर्ष निकाला है। तो फिलहाल तो ये आईसी अपनी शॉर्ट है, क्योंकि यहाँ पर इसमें पावर की लाइट इसलिए जल रही क्योंकि यहाँ पर इसके आईसी को ग्राउंड नहीं मिल पा रहा था, तो हमने इसको ट्रैक किया। तो ये इसका नेगेटिव पॉइंट है, मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि ये नीचे वाली जो ट्रैक जा रही है अपनी, थोड़ा सा मैं यहाँ पे साफ कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ करीब से और समझाता भी हूँ कैसे ट्रैक खोजते हैं हम लोग। जैसे ये वाली ट्रैक जो अपनी रेड वाली है, ये निगेटिव की है, डायोड से भी पहचान सकते हैं जिन्हें डायोड माइनस प्लस बना हुआ है, और यहाँ पे कैपेसिटर भी लगा हुआ है, इस कैपेसिटर के माइनस से भी पहचान सकते हैं। देखिए वहाँ पट्टी बनी हुई है, तो ये माइनस हुआ।
ये वाली ट्रैक अपनी माइनस हुई और ये आगे जाते हुए आईसी पर यहीं पर से आईसी पर निगेटिव गया हुआ है। जैसे ही हम कोई स्विच दबा के इसको मतलब होता है निगेटिव मिलता है तो ये अपना सप्लाई ड्रॉप कर जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए जिससे निगेटिव मैंने जोड़ा था, बिल्कुल थोड़ा करीब से मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ अंदर से कैमरा जो है कि ब्लर कर जा रहा है उतना करीब जूम करने से, जब नज़दीक ले जाने से ना। देखिए मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ, यहाँ इस रेजिस्टेंस के जस्ट नीचे से इधर अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ से एक ट्रैक आई हुई है और इस पर ये जुड़ती। अब इसको तो मैंने खोला नहीं, यहाँ पे क्या था पता नहीं। तो फिलहाल जो भी है, यहाँ से इसको निगेटिव दिया गया था और इसको देने से ये शॉर्ट कर जा रहा है। और अच्छा ठीक है, मैंने सोचा ये बस खाली इन्होंने रेगुलेटर सेक्शन बनाया हुआ है, खाली रेगुलेटर है, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर एक कोई रेगुलेटर लगा दिया जाए जो एसी को रेगुलेट करे। तो उन्होंने भी एसी को ही रेगुलेट करने के लिए बीटी 134 लगाया था। यहाँ पर डायरेक्ट देख सकते हैं, एक यहाँ पर डायरेक्ट ये फेस दिया गया है पीसीबी में यहाँ से, और एक यहाँ से न्यूट्रल जो है उन्होंने उठाया डायरेक्ट देते हुए बीटी 134 पे यहाँ पिन किया और यहाँ से आउट कर दिया। ठीक है, तो हमने वही किया, एक रेगुलेटर लिया डायरेक्ट इन कर दिया और बीच में सर्किट हो गई, ये हमने आउट कर दिया। तो हमने सोचा ये काम कर जाएगा, बट ये देखिए अब क्या हो रहा है। ये यहाँ पे देख सकते हैं अपना बल्ब अपना फुल जल रहा है, मतलब ये आगे जो है अपना ना, इसमें जो भी कंपोनेंट लगे होंगे या फिर जो भी होगा इसमें, ये देखिए किस तरीके से शॉर्ट करा अपना, ये रेगुलेटर काम कर रहा है, जस्ट बस अपना रेगुलेटर काम कर रहा है, देख सकते हैं कम ज्यादा हो रहा है, जो कि इस तरीके से इसको नहीं होना चाहिए था। ठीक है, ये पूरा जो है कि फुल शॉर्ट है, ये देखिए मैं यहाँ पर इसको वायर शॉर्ट भी करा रहा हूँ तो बल्ब के प्रकाश में रोशनी नहीं जो है कि कम ज्यादा हो रही है। अगर कम भी होती तो मतलब ज्यादा होती तो हम सोचते कि अपना यहाँ पे मतलब कुछ ना कुछ कॉयल मतलब इसमें काम कर रहा है, रेजिस्टेंस बन रहा है, लेकिन नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं। तो इसका निष्कर्ष ये निकल गया कि अब ये नहीं बनेगा, अब इसको हम रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे नए वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। फिलहाल आपका कोई कमेंट हो या कोई सुझाव हो तो आप मुझे जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।